मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र में 2 दिनों तक दबंगों द्वारा भाजपा नेता और उसके परिवार पर किए गए जानलेवा हमलों में योगी पुलिस की भूमिका ही सवालों के घेरे में आ गई है। दबंगों द्वारा किया गया पूरा हमला CCTV में कैद हो गया है। इस हमले में भाजपा नेता सहित उनके अन्य 3 परिजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना मंजुला क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में कुछ दबंगों ने 2 दिनों से कहर बरपा रखा है और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के मंडल अध्यक्ष छोटेलाल सैनी और उनके परिजनों के ऊपर। पीड़ितों के अनुसार दुर्गा कॉलोनी के ही कुछ लोग उनसे विगत मेयर चुनाव के दौरान से रंजिश रखते आ रहे हैं। इन लोगों ने मेयर चुनाव के समय में भी उन पर हमला बोलते हुए उन्हें घायल कर दिया था और कल फिर इन दबंगों ने उनके घर पर धावा बोलते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को मारपीट करते हुए घायल कर दिया था, जिसकी सूचना कल मंजुला पुलिस को दे दी गई थी और अपना मेडिकल कराते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। आज उसी का बदला लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उनके घर पर फिर से हमला बोल दिया और पथराव भी किया। दबंग इस बात से खफा थे कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया। इसी मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाते हुए दबंगों ने आज फिर से हमला किया। उन लोगों ने आज मेरे बेटे रिंकू और मेरे भतीजे राजू सैनी के ऊपर कातिलाना हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन दबंगों ने घर के बाहर खड़ी सेंट्रो कार और एक बाइक को भी लाठी डंडों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। आज हुए जानलेवा हमले की पूरी वारदात घर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर मंजुला पुलिस दबंगों की पहचान करते हुए कार्यवाही की तैयारी में है। मंजुला पुलिस आज भले ही कार्यवाही की बात कह रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में 2 दिनों तक भाजपा नेता और उसके परिवार पर दबंगों के हमले ने योगी पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या हुआ? यही मोहल्ले वालों को आटा क्यों बांट रहे हो और मोहल्ले वालों को भी रोक लेते हैं, बोले आटा लेने जाओगे सड़क डलवा देंगे, तो विरोधी उठाते हैं इनकी मतलब इससे। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब झगड़ा हुआ था? मैं कपड़े धो रही थी यहाँ पे बैठ कर, जहाँ खड़ी हूँ इसी समय यहाँ पे कपड़े धो रही थी मैं, मतलब 4 बजे के टाइम। तो वही मोबाइल से वीडियो बनाकर चला गया दोपहर 1 हफ्ते ना। मैंने यहाँ से उठ कर मैंने देख लिया, मैं चली गई उठ कर क्या ना, मैंने कहा किसने बुलाया वीडियो बनाने, बस यही इतनी कह पाई, इतने ही में से डंडे आ गए। जिन्होंने मारपीट करी इनसे तो मैंने लौट के कुछ किया भी ना था, और बस इतना कहना था इतनी देर में जी आ जाते हैं तो जी आ गए तो ही डंडे चालू हो गए ना, उनकी गाड़ी क्या चली, गाड़ी पे ही मार फूक करी ना, बस यही विरोध उठाते हैं कि यहाँ नेता गर्दी मत चला। अच्छा क्या हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये पहले से चुनावी रंजिश रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था महापौर जी का, माननीय महापौर जी का, उस समय इन्होंने पर्ची बाज के समय मेरे पे हमला करा, जब भी मुकदमा पंजीकरण है मार पीट के मार मार के लहू लुहान कर दिया था। अब फिर मैंने जैसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की वजह से आदमी मजदूर और गरीब बेसहारों को अपने पास से आटे के कट्टे और उन्हें भोजन प्राप्त कराया, इसे उसकी जलन में आके इनने फिर मेरे पे मार धावा बोल दिया। कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था और ये कहा था कि अगर तुमने अगर मुकदमा कराया तो तुम्हारे पूरे घर की जान से मार दूँगा, गोली मार। मैं उस बात को हल्के में लेते हुए मैंने फिर अपनी डॉक्टरी कराई और उसका मुकदमा कराया। उसके बाद उसको मुकदमे की वापसी का फिर आज मुझ पर दबाव बनाया कि वापसी कर लो नहीं तो गोली मार दूँगा। मैंने उसका विरोध किया जो तुझसे हो कर ले, तो उसने मेरे घर पर फिर लाठी डंडों से प्रहार कराया, मेरे भतीजे को मारा, मुझे देखने आए हुए थे और मेरे लड़के को भी मारा। मेरी नज़दीक में ही मेरी भांजी का घर है, उस घर में जाकर मार तोड़ करी और वहाँ लाठी डंडों से पिटाई करी। मेरे दोस्त की मेरे घर पर ही गाड़ी खड़ी थी, उनके बोले सेंट्रो इसकी तोड़, इसकी लाठी डंडों से कांच सब गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिए। मेरे मकान पर जो लगे CCTV कैमरे वो भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। कितने लोग को चोट आई है तुम? ये कल भी 2 जनों के आई थी और आज 2 जनों के आई है, राजू सैनी के मेरे भतीजे के, 7-8 आए हैं। मेरा बेटा है रिंकू। तहरीर दी है आपने? तहरीर दी है थाना मंझोला को। कल भी मुकदमा दर्ज हुआ? कल मुकदमा दर्ज हो गया। कल जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेकर हुआ और आज जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेकर हुआ? आज जो झगड़ा हुआ है कल का मुकदमा वापसी लेने के उस पर हुआ।